देख अपना चीजें पढ़ ले कर सकेंगे, आप खुद खा सकेंगे, अपने बच्चों को पाल सकेंगे, शादी कर सकेंगे, समाज में अच्छा कार्य कर फीता भी है सारा है। हाँ, हाँ, सब फीता इवन उसमें चिपका भी हुआ। ये इसका ढक्कन है, ये इसका ढक्कन। आप भी देखिए, हाँ ये देखिए, ये सारा फीता के लिए समाज में तुम्हारी कूट होगी, तो समाज में तुम्हारी पास्ता रहेगी, मॉडल्स रहेगी। कारागार प्रशासन सदैव बंदियों के इसका डेवलपमेंट और उनके बीच अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाने के लिए सतत प्रयास करता रहता है। इसी के तहत आज इनर व्हील क्लब के सभी सम्मानित सदस्यों ने बंदियों को सिलाई मशीन प्रदत्त की हैं, जो इनको समाज में स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आज जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री राजीव शर्मा जी की प्रतिनिधित्व में इनर व्हील क्लब के द्वारा जो है हमारी महिला बंदियों को 6 सिलाई मशीनें प्रदान की गई हैं, जिससे कि ये कारागार से निकलने के उपरांत इनका बहुत अच्छा पुनर्स्थापन उत्पन्न हो सके और ये अपनी आजीविका ढंग से सम्मान के साथ बाहर कमा सके, साथ ही स्वयं अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक अच्छा स्थान भी समाज में प्राप्त कर सके। बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा, इसके पहले भी इनर व्हील क्लब के द्वारा हमारे यहाँ बंदियों के लिए कार्यक्रम किए गए हैं और भविष्य में भी इनर व्हील क्लब के द्वारा तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे, ये हमें आश्वासन मिला है और हमसे जो भी सहयोग होगा हम पूरा सहयोग करेंगे और पुनः इनर व्हील क्लब को मैं अपने कारागार परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कश्यप, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वरिष्ठ अधीक्षक श्री हरिभक्त सिंह साहब को, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये एयू के ही पड़े हुए हैं और आज इसी नैनी सेंट्रल जेल में इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं जो कि मतलब अद्भुत है। ये और भी ऐसे कई लोग और लोग आए होंगे पहले, हो सकता है कई लोगों ने किया हो, लेकिन आज देख कर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इनर व्हील इस क्लब के साथ इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद में जो है वरिष्ठ जेल साहब को भी जो है बीके सिंह साहब त्रिवेदी साहब को भी जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इतना अच्छा कार्य किया और ये चाहते हैं कि ये महिलाएं कुछ करके निकले यहाँ से, अगर बाहर समाज में जाएं तो एक अच्छी सोच लेकर जाएं और अच्छी कार्यशैली सीख कर जाएं, जो बाहर समाज में ऐसी गलत भावनाएं लोगों में ना आए कि जेल में रह के उन्होंने कुछ गलत करके आई होंगी, किसी गलती से या किसी कारणवश जेल हुआ उनको, उसके लिए कई ऐसी महिलाएं यहाँ मिली जो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। अपने आप से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांग रही हैं, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो है वरिष्ठ जेलर साहब को, जेलर साहब को भी जो ऐसे कार्य करते रहते हैं और करेंगे भी। अभी हमारा कुछ कमिटमेंट भी हुआ है सर से कि जो लोग यहाँ से 26 जनवरी को इस जेल से कुछ पेनल्टी बाकी है तो जेलर साहब कुछ उसका या वरिष्ठ जेलर साहब जो है कुछ उसको देखेंगे अगर हो सकेगा तो। मैं डॉक्टर कश्यप, इनर व्हील ईस्ट क्लब और प्रियंका जी सब लोग मिलकर जो है जो भी हो सकेगा उनकी पेनल्टी भरवा कर और एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा, उन लोगों से कहलवाऊँगा कि समाज में जाकर कुछ अच्छे संदेश दे सकें और दोबारा ऐसी जेल आने की नौबत ना हो, ना उनको ना किसी और को। सबसे पहले मैं तो मैं इनर व्हील क्लब के सभी पदाधिकारी व मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी इन महिला बंदियों के लिए बहुत कुछ करने की सोची और उनको 5-6 सिलाई मशीन दिया है। साथ में ये भी आप लोगों ने वादा किया है कि उनको ये कपड़े देंगे और वो लोग जो हैं जो कपड़े सिल कर देंगी, जो भी चीज़ बनाएंगी, झोला हुआ या और पहनने वाले कपड़े हुए, उनको जो है आप लोग खरीदेंगे और इनको उनके जो भी सिलाई का पारिश्रमिक है वो डायरेक्ट इनको देंगी, जिससे कि ये भी अपने जब यहाँ से निकल के जाएं तो कुछ उसके लिए पूंजी इकट्ठी किए रहें और वो इनके काम आ सकें। पुनः बहुत बहुत इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों से बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर जिसमें हमारे डॉक्टर कश्यप जी हैं, आपके हस्बैंड साहिबा हैं,
नहीं। और हाँ ये तो हमारी एक जूनियर ऑफिसर है। ओके सर, थैंक यू।